नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से प्रबंध संपादक। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे मैं बताती हूँ कि हर बारी में किसी नए साथी के साथ हाजिर होती हूँ, तो लो मैं हाजिर हूँ अपने नए साथी के साथ। इस बारी मेरे साथ हैं सुशीला। सुशीला, आपका भी इस शो में बहुत 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 स्वागत है। नमस्कार, मैं सुशीला खबर लहरिया से हूँ और इस समय मैं बनारस में जो है कि रिपोर्टिंग करती हूँ। अरे सुशीला, बताइए ना, कल ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला आया और मैंने देखा कि आप वहां पर पूरा दिन रिपोर्टिंग करती रहीं। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या हाल चाल है बनारस के? मैं सुबह ही वाराणसी के कोर्ट 10 बजे खुलता है, मैं वहां पे पहुंच गई थी। लेकिन जब मैं वहां पे गई तो मुझे उतनी भीड़ दिखाई दी कि मैं क्या बताऊं। बहुत लोग, बहुत भीड़ थी। यहाँ की जो प्रशासन है पूरी तरह से कमर को कस लेती, रोड मार्च किया, उन मोहल्लों तक गया जहां से बाबा विश्वनाथ, गौरी सिंगार, ज्ञानवापी की मामला चल रहा है वहां पे पूरी कड़ाई रही। और कई मैदागीन, गोदौलिया, इस सब के जो रोड से बैरिकेटिंग कर दिया गया था। यहाँ पे 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन को रोक दिया जा रहा था, उन्हें गलियों से घुमाया जा रहा था, काफी लोगों को तो लौटा दिया जा रहा था। कल का जो माहौल था काफी चर्चित में था और ये देखने लायक था कि हर नौकर नौकर पे प्रशासन है, हर मोहल्ले तक प्रशासन है। और लेकिन ऐसा रहा, सुशीला, ये बताइए कि क्योंकि मंदिर मस्जिद का मामला है तो जाहिर सी बात है कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग तो होंगे ही। मैं देख रही थी कि जिस तरह की भीड़ है, हुजूम है, यहाँ तक कि हिंदुओं में महिलाओं का भी बड़ा हुजूम था। आपको क्या लगा वहां पर देख करके? किस तरह की चर्चाएं रही वहां पर? वहाँ पे चर्चा ये रही है कि जो फैसला आने के बाद जो महिलाएं थी वो खूब झूमी, नाची, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बम बम भोले का नारा लगाई। और जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कहा कि मैं इसे कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। और जो हिंदू पक्ष के जो महजिद की तरफ से फैसला आया, ये फैसला 26 पेज में था जो कि 10 मिनट में पढ़ करके और सुना दिया गया। ये बातें आपको वकील ने बोली कि इस तरह से किया गया है? अच्छा, जी वो ऐसे भाई मैं तो देख रही थी कि ऐसे लग रहा था कि कोर्ट ने तो ये कहा कि ये मामला अभी 22 सितंबर को भी मतलब इसका फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन लोग ऐसे नाच गा रहे थे, हिंदू महिलाएं और लोग इतना नाच रहे थे, मतलब वो 22 सितंबर को भूल ही गए थे। ऐसे लग रहा था कि यही फैसला ही आ गया है, और मतलब वो पहले से भी तो कह रही थी कि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा, हिंदुओं के पक्ष में आएगा। ऐसे लग रहा था कि उन्होंने पहले से ही सब कुछ जान लिया था। क्यों, आपको भी क्या ऐसे लगा था? जी दीदी, रिपोर्टिंग के दौरान उनकी बातों से लग रहा था और जिस तरह से माहौल था, माहौल देख करके पता चल रहा था कि जिस तरह से वहाँ पे सर्वे हुआ था, उस सर्वे के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान मैंने लोगों से जब बात की तो मुझे भी थोड़ा से लगा कि हो सकता है कि ये हिंदू पक्ष में ही आए। लेकिन जो कल की फैसला है, और इसमें काफी रिपोर्टिंग हमने मुसलमान भाइयों से भी किया, वो भी कहें कि हम लोग जो संविधान के तौर पे बने हैं कानून, उसका सम्मान करेंगे, जो आगे का फैसला आएगा हम उस पे जो है कि समर्थन करेंगे। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने जाहिर अपनाई कि हम संतुष्ट नहीं है तो हम आगे कोर्ट का दरवाजा भी खड़खड़ाएंगे। अरे सुशीला, यही तो है ना राजनीति, यही होती है राजनीति। जिस तरह से अयोध्या मंदिर मस्जिद विध्वंस मामले पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, उसी तरह से शायद इस मामले में भी तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी।
तारीख ही नसीब होती रहेंगी। अगर ये मामला खत्म हो जाएगा ना, तो फिर चुनाव के मुद्दे ही ना खत्म हो जाएंगे। नेताओं का वह नारा तो सुना होगा ना आपने, जी, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सुशीला, एक समय ऐसा था जब हम स्कूल में थे, या हमारी जो पूर्वज थे वो हमको सिखाते थे कि जब भी असुरक्षा होती है, अशांति फैलती है, तो देश में शांति के लिए अपील की जाती है। वो जिम्मेदार, देश के जिम्मेदार लोग करते हैं। और मैंने और क्या आपने, क्या पूरा देश, क्या पूरा दुनिया, वो जो राष्ट्रगान है ना, उसमें एक लाइन जो है, वैसे हर लाइन उसकी भाईचारे पर जी है, देश की बंधुता पर है, लेकिन जो एक लाइन है उसकी कि हिंदी देश के निवासी सभी जाने एक हैं, रंग रूप भेषभूषा चाहे अनेक हैं। और अब वहीं पर ये गाना है कि देखे मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। हम कोई जज या अदालत तो नहीं है, और इनका फैसला सबको मानना ही पड़ता है, भले ही कोई असंतुष्ट होकर के बड़ी अदालतों में चले जाते हैं, वहां का दरवाजा खटखटाते हैं। फैसला हिंदू में आए और चाहे मुसलमान पक्ष में, जो कि आज की स्थिति कुछ और ही दबी जुबान कहती है, लेकिन बिना पूरा फैसला आए जश्न मनाना नहीं छोड़ते आज के लोग, ताकि विपक्ष को और कमजोर किया जा सके, उनको चिढ़ाया जा सके। वही बात कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, इस तरह का माहौल बनने देना भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, खतरे पैदा करती है, भाईचारे को तोड़ती है, देश में अशांति और असुरक्षा पैदा करती है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम, आप, या समाज, या देश, या संसार? कौन है भला? ये है हमारे सवाल और विचार। इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो, और आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगर आप हमारा इंक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर हमारे कम्युनिटी के सदस्य बने। अभी के लिए बस इतना ही। अगली बारी मैं फिर आऊंगी किसी नए साथी और नए मुद्दे के साथ। तो चलती हूँ, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।